सो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सिस्टम दे रखा है जिसमें इनवर्स ट्रिगो फंक्शन इन्वॉल्व है। पहला इक्वेशन है cos इनवर्स x plus sin इनवर्स y the whole square is equal to a pi square by 4 और दूसरा इक्वेशन है cos इनवर्स x times sin इनवर्स y the whole square is equal to pi to the power 4 over 16। हमें a की वैल्यू निकालनी है जिससे कि ये इन दोनों सिस्टम को सेटिस्फाई कर सके। तो जहां भी इनवर्स ट्रिगो फंक्शन इन्वॉल्व होता है उसमें सबसे पहले हमें इनवर्स के रेंज पे विचार करना चाहिए। तो हमें पता है कि sin इनवर्स y की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होती है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे बिकॉज हमारे पास sin इनवर्स y का स्क्वायर ही करना है तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी और ये होगा 0 से पाई टू द पाई स्क्वायर बाई 4 के बीच में। अब cos इनवर्स x पे विचार करते हैं तो cos इनवर्स x तो केवल cos इनवर्स x ही है तो ये हो जाएगा 0 से पाई के बीच में, लेकिन यहां पे इन दोनों का सम इन्वॉल्व है तो यहां इस इनइक्वालिटी में भी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करके ये सम फाइंड किया सकता है। तो ये हो जाएगा 0 लेफ्ट हैंड साइड में और यहां मिल जाएगा cos इनवर्स x plus sin इनवर्स y द होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड में मिलने वाला है आपको पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई, इजंट इट। अब चूंकि इसकी वैल्यू दे रखी है सम की तो यहां पे उस चीज को रिप्लेस कर देंगे सो यू विल गेट a पाई स्क्वायर बाई 4 एंड दिस इज ओनली पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई। बट हमें a पे कंडीशन चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इस पाई स्क्वायर बाई 4 से डिवाइड कर देंगे सो यू विल गेट 0 a एंड दिस विल बी 1 प्लस पाई स्क्वायर पाई बाई पाई स्क्वायर बाई 4 इज 4 ओवर पाई। अब आप इस नंबर पे विचार कीजिए 1 प्लस 4 ओवर पाई, सो 4 ओवर पाई इज अ नंबर ग्रेटर देन 1, व्हाई? बिकॉज़ पाई की वैल्यू 3.14 है उसको 4 उससे 4 को डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी और उसमें 1 ऐड करोगे तो यू विल गेट 2 पॉइंट समथिंग, सो ये नंबर लेस देन 3 होगा। अब हमें चाहिए क्या कि a इंटीजर वैल्यू चाहिए जो 0 और 3 के बीच में लाई करता है और 0 परमिसिबल है तो हम लिख सकते हैं 0 a की वैल्यू ले सकते 0 1 इन 2। बट वेट, आंसर अभी नहीं मिला है क्यों? क्योंकि हमने cos inverse x into sin inverse y the whole square is equal to pi to the power 4 over 16 यानी कि दूसरे इक्वेशन पे कंडीशन यूज नहीं किया है। मतलब ये कि अभी हमने केवल फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके ये a पे कंडीशन निकाला, अब इसको भी इन्वॉल्व कराना पड़ेगा किसी तरीके से ताकि हम a पे एक दूसरा कंडीशन निकाल सकें। तो इसके लिए आप इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे तो यू विल गेट cos inverse x एक अलग क्वांटिटी है, sin inverse y the whole square दूसरी क्वांटिटी है और इन दोनों क्वांटिटीज का सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। तो अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटीज दे रखी होती है और उनका सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो उन दोनों को रिलेट करने वाला एक बहुत ही पॉपुलर इनइक्वालिटी होता है जिसे हम am greater than gm की इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं। तो उसी को हम यहां पे यूज करने वाले हैं। क्या लिखेंगे? cos inverse x plus sin inverse y the whole square divided by 2 is greater than square root of the gm will be what? cos inverse x times sin inverse y the whole square। तो इधर हमारे पास cos inverse x plus sin inverse y the whole square का exact sum दे रखा है, that is a pi square over 4 और यहां पे divided by 2 है तो ये हो जाएगा 8 और इसका product भी directly दे रखा है तो ये हो जाएगा pi to the power 4 over 16 स्क्वायर रूट दैट क्वांटिटी। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे फर्दर तो यू विल गेट ए पाई स्क्वायर बाई 8 इज ग्रेटर देन पाई बाई 4 सॉरी पाई स्क्वायर बाई 4 जिससे ए की वैल्यू मिल जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब यहां कह रहे हैं कि 0 1 और 2 में से होना चाहिए और यहां कह रहे हैं कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो दोनों कंडीशंस को यूज करने के बाद हमें केवल मिलने वाला है ए इज इक्वल टू 2। दैट्स इट।